ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 को देख लिया था। हमने ये सीख लिया था कि जर्नल एंट्रीज को किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। उस्मान, आपने रिकॉर्डिंग्स देख ली हैं? आपने मुझे होमवर्क असाइनमेंट भी भेजा है ना, तो मेरे ख्याल से आपने हेड्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह के बारे में आपको एक आइडिया हो गया है। वेरी गुड। अब उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने घर से करना है, तो हम एक काम ये करते हैं। हमने एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट कर ली थी, राइट? एग्जाम्पल नंबर 3 हमने स्टार्ट कर ली थी। डिड वी स्टार्ट एग्जाम्पल 3? कल शुरू कर ली थी ना हमने एग्जाम्पल 3। हम कंप्लीट हमने नहीं किया, लेकिन हमने एग्जाम्पल नंबर 3 शुरू कर दी थी। हम मुझे बता सकते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन तक हमने किया था? हाँ जी उस्मान, एग्जाम्पल नंबर 3 में हम कल कौन सी ट्रांजेक्शन पे थे? हाँ सेकेंड पे, चले ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हम जब आते हैं, तो सबसे पहला जो डिफरेंस हमने देखा एग्जाम्पल 1 और 2 से, वो हमने ये था देखा कि पहले हम लोगों ने बर्ड गुड्स के बारे में नहीं पढ़ा था कि बर्ड गुड्स क्या होते हैं, राइट? फिर जब हम देखते हैं इधर, आपके पास सेकेंड ट्रांजेक्शन थी बॉट गुड्स फॉर कैश ₹85,000। तो हमने इसको कहा कि ये जो बॉट गुड्स का टर्म है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है परचेजेस की, राइट? इससे मुराद है आपकी परचेजेस, है ना? और हमने इसको कहा था कि फॉर द टाइम बीइंग हम क्या कहेंगे कि परचेजेस बॉट गुड्स। हमें लगता ही है कि कोई टैंजिबल एसेट हम खरीद रहे हैं, कोई आइटम हमारे पास आ रहा है, लेकिन गुड्स को हमने एसेट नहीं लेना। गुड्स हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री हो गया, राइट? इसको हमने क्या ट्रीट करना है? इसको हमने ट्रीट करना है एज एन एक्सपेंस, राइट? तो उसके बाद हमारे पास जो उसका आंसर आता है, एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देखते हैं, तो हमारे पास जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है वो कुछ यूं बनती है, राइट? परचेजेस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, जो कि एक्सपेंस है। इसको आपने बस अपने पास कहीं लिख लेना है, इसका रट्टा मार लेना है। परचेजेस अकाउंट हमेशा आपने डेबिट करना है। डेबिट क्यों करना है? क्योंकि हम परचेजेस अकाउंट को कहते हैं कि ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, हमारा एक्सपेंस है। और जब हमारा खर्चा होता है, जब हमारा एक्सपेंस होता है, तो हम क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं, राइट? फिर उसके बाद आपने परचेजेस की हैं थ्रू कैश, आपने कैश अपना रिजर्व इस्तेमाल किया, यानी कि कैश बैलेंस आपका कम हो गया। कैश आपका एसेट है, तो कैश आपका क्रेडिट होगा 85,000 से। उस्मान, आपको क्लियर हो रहा है अभी सारा? हेड्स ऑफ अकाउंट्स आपने देख लिया ना, वो चार्ट आपने पढ़ लिया परसों की क्लास में से? तो जो आप कल इंक्रीज या डिक्रीज में वो कह रहे थे कि इंक्रीज हमेशा डेबिट होता है, जरूरी नहीं है कि वो हो, राइट? फिर आपके पास तीसरी ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹116,000 फ्रॉम जावेद। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि एक तो आपके पास आ गया आइटम एलिमेंट आ गया एक परचेजेस का, तो आपके पास एक आइटम जो हिट हो रहा है वो बॉट गुड्स से आपको पता लग गया। फिर दूसरा ये हो रहा है कि आपने क्रेडिट पे जावेद से खरीदा, उस टाइम पे आपने उसको पेमेंट नहीं किया, आपने ना कैश की पेमेंट की, ना चेक के थ्रू की, किसी भी तरीके से पेमेंट नहीं की, उधार पे आपने जावेद से खरीदा। तो दूसरा आइटम यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे दूसरा आइटम हो जाएगा जावेद के नाम से एक लाइबिलिटी, राइट? तो आपने उस्मान, आपने जो एग्जाम्पल नंबर 2 में एक छोटी सी जो गलती की हुई है ना, वो ये की हुई है कि आपने सिर्फ पेबल लिखा हुआ है। आपने अभी इस पॉइंट पे आके पेबल के आगे उसका नाम भी लिखना है। अगर आप सिर्फ जावेद भी लिख देते वो भी ठीक है। उसका रीजन ये है कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म के, हो सकता है एक सवाल में एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ पेबल्स हो, ठीक है? एक जावेद भी हो, फरहान भी हो, व्हाट सो एवर, राइट? तो आपको क्या करना है? आपको जावेद, फरहान, इन सबके अलग अलग अकाउंट्स खोलने, इन सबके अलग अलग नामों को बुक्स में लेकर आना है। इज दैट क्लियर? तो आपने सिर्फ पेबल नहीं क्रेडिट करना, आपने ये बताना है कि कौन से नाम का पेबल, जावेद के नाम का हमने पेबल अकाउंट को क्रिएट करना है। इज दैट क्लियर उस्मान? तो आपने किया क्या, आपने एक जगह पे गुड्स को खरीदा, आपने बॉट आपने गुड्स खरीदे, और दूसरी साइड पे आपकी क्या हो गई? दूसरा इफेक्ट इसका ये हो गया कि आपको लाइबिलिटी रेस करनी पड़ गई, इंक्रीज करनी पड़ गई। तो आपको लाइबिलिटी का जो टर्म है उसको क्रिएट करना पड़ गया, और टर्म में हमने क्या लिखना है, पर्टिकुलर में क्या लिखना है? जावेद का खास नाम आएगा वहां पे, ठीक है? और नीचे आप लिखेंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, वो लिखने की जरूरत नहीं है कि किससे खरीदा, वो सारा आपको ऊपर पता लग रहा है, ठीक है? फिर आपके पास जनवरी 8 की ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹42,000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे?
जब हम गुड्स को खरीद रहे थे तो हम उसको ट्रीट कर रहे थे एज व्हाट, एज एन एक्सपेंस, और क्या हमने एक्सपेंस को क्या नाम दिया, खास परचेजेस, राइट। अब जब आप उन्हीं गुड्स को सेल करेंगे कहीं पे ये वाली टर्म आ जाए तो अब आपने इसको क्या ट्रीट करना है, एक्सपेंस का ऑपोजिट यानी कि इनकम। और कौन सी इनकम, अब इसको हम नाम देते हैं क्या, सेल्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹42,000, आपने गुड्स बेचे और आपको क्या मिला, कैश मिला। तो कैश आपके पास आ रहा है, राइट। कैश आपका एसेट है, कैश आपका इंक्रीज कर रहा है। तो जब एसेट इंक्रीज करता है तो हमें क्या करना होगा, कैश अकाउंट को हमने कर दिया क्या, डेबिट, राइट। ऑन दी अदर हैंड दूसरा इसमें क्या हो रहा है, आपने गुड्स को बेचा, आपने इनकम भी अर्न कर रहे हो। आप ये कहोगे कि इसका डबल डबल इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इनकम के अकाउंट में, और उस इनकम का कोई नाम है, इनकम अकाउंट का नाम है और वो क्या है, सेल्स। तो हमने क्या करना है, आप जब अपना चार्ट देखेंगे तो उसमें अगर इनकम इंक्रीज करती है तो हमें, हम हमेशा उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, सेल्स के अकाउंट को कर दिया क्रेडिट 42,000 से। तो इस ट्रांजैक्शन में दोनों आइटम्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, कैश भी इंक्रीज हो रहा है और सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये दोनों डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट से पर्टेन करते हैं, और वो हेड्स ऑफ अकाउंट ऐसे हैं कि एक में इंक्रीज का मतलब है डेबिट करना और दूसरे में इंक्रीज का मतलब है क्रेडिट करना, ठीक है। बात क्लियर है उस्मान जी, मोहसिन क्लियर है, ठीक है। तो हमने बस ये दो नई टर्म्स पढ़ ली, सेल्स और परचेजेस हमने कब इस्तेमाल करना है, जब कहीं पे हम गुड्स को खरीदे या सेल करें। हमने एग्जाम्पल नंबर टू में हमने बाइंग और सेलिंग की थी, लेकिन किसकी की थी, ऑफिस मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर। सेल भी हमने किया था तो किसको किया था, ऑफिस मशीनरी को किया था, यानी कि यहाँ पे गुड्स इन्वॉल्व नहीं थे। यहाँ पे ये वो सारे आइटम्स हैं जो कि बिजनेस ने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदे थे। उसने ये नहीं इंटेंड किया था कि मैं इनको बस खरीद के बेचूंगा, खरीद के बेचता रहूंगा डेली बेसिस पे या रिकरिंग बेसिस पे, और फिर मैं उसे प्रॉफिट कमाऊंगा, ठीक है। तो January 8 को आपने अब सेल्स का भी पढ़ लिया कि सेल्स की क्या ट्रीटमेंट होगी। January 10 को क्या हो रहा है, रिटर्न गुड्स टू जावेद वर्थ ₹28,000। अब जावेद से आपने January 6 को क्रेडिट पे कुछ चीजें खरीदी थी 1,16,000 की, और January 10 को क्या हो रहा है, 1,16,000 वाली गुड्स में से कुछ गुड्स को आप क्या कर रहे हो, जावेद को वापस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको उनकी जरूरत नहीं थी, फॉर एग्जाम्पल उनमें कोई डिफेक्ट था और आपने डिफेक्ट देखा तो आपने कहा कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रिटर्न करना पड़ेगा। तो अब हमें पहली नजर में क्या लग रहा है कि आपने पहले स्टेप पे क्या किया था, परचेजेस डेबिट करके जावेद का पेबल अकाउंट कर दिया था क्रेडिट, यानी कि आपने ये ट्रांजैक्शन की थी, ये January 6 वाली, ठीक है। अब इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से 28,000 के गुड्स आप वापस कर रहे हो। तो पहले आपको कितना पेमेंट करनी, अभी लाइबिलिटी कितनी खड़ी हुई थी, जावेद को आपने कितना पे करना था, 1,16,000। अब जब आप 1,16,000 में से 28,000 के गुड्स वापस कर दोगे जावेद को तो आपको उनकी पेमेंट भी नहीं करनी, राइट, फ्यूचर में। तो फिर आप क्या करोगे, आप ये आप आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ठीक है, इसका मतलब ये है कि जावेद का पेबल अकाउंट जो लाइबिलिटी है वो मेरी हो जाएगी क्या, कम। तो यानी कि वो मुझे डेबिट पे लिखना है, कितने से, 28,000 से। ये मैं अभी आपको सही वाला आंसर इसका बताती हूँ। तो जावेद की लाइबिलिटी, जावेद के नाम से जो लाइबिलिटी आपने लिखी हुई थी वो आपने कर देनी है कम। क्यों, क्योंकि आप जावेद को कहेंगे भाई 1,16,000 में से 28,000 तो मैंने तुम्हें वापस कर दिए, तो आई वोंट बी ऑब्वियसली पेइंग यू फॉर दैट, राइट। अब दूसरे इंस्टेंस में आपको यही लग रहा है कि क्योंकि हमने लाइबिलिटी कम कर दी, ये किस्म के हमने परचेजेस को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, हम परचेजेस को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो आपको शायद ये लगे, चले देख लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कोई एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, परचेजेस को हम कर देंगे क्रेडिट 28,000 से, ठीक है। पहली नजर में बिल्कुल यही लग रहा है और ये बात गलत नहीं है। आपने लाइबिलिटी को कम करना है और अपने क्या करना है, जो आपने 1,16,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ था अब आपने उसको रिवर्स कर देना है। आपने कहना है कि रियल टर्म्स में मेरा जो एक्सपेंस है वो 1,16,000 का नहीं हुआ, वो 1,16,000 से कम का हुआ है, क्योंकि 28,000 की तो मैंने वापस रिवर्स कर दी, ऐसे हुआ जैसे कभी हुआ ही नहीं था, राइट। लेकिन जब भी इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन आए,
कि किसी और दिन आप कोई एक्सपेंस की रिवर्सल कर रहे हो, आप गुड्स को रिटर्न कर रहे हो, तो बिल्कुल ठीक है, एक्सपेंस आपका क्रेडिट होगा, एक्सपेंस आपका कम होना है, लेकिन परचेजेस आपने क्रेडिट नहीं करना, आपने किसी और आइटम को क्रेडिट करना है। ठीक है, आप ये बात अपने पास नोट कर लें कि परचेजेस कैन नेवर बी क्रेडिटेड एक्सेप्ट इन वन सिनेरियो, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो थोड़ा एडवांस्ड है, तो आप इस लेवल पे अपने पास ही लिख लें कि परचेजेस विल नेवर बी क्रेडिटेड, कभी परचेजेस का टर्म क्रेडिट पे आएगा ही नहीं। तो फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अब हम परचेजेस के आगे एक टर्म ऐड कर देंगे, परचेजेस रिटर्न, और अब हमने एक नया आइटम हम अपनी बुक्स में ले आए, राइट। तो आपने क्या किया, पेबल अकाउंट को कम कर दिया, लायबिलिटी आपने कम कर दी, और साथ ही आपने एक्सपेंस भी कम किया, लेकिन परचेजेस के अकाउंट के थ्रू नहीं, अब आपने एक नया आइटम ले आया और आपने लिख दिया उसको परचेजेस रिटर्न, इज दैट क्लियर। और आप अपने पास ये लिख लें कि परचेजेस विल नेवर बी क्रेडिटेड, तो आपने फिर क्रेडिट किस आइटम को करना है, आपने करना है परचेजेस रिटर्न अकाउंट को, और आप नीचे लिख देंगे गुड्स रिटर्न टू जावेद, इज दैट क्लियर। उस्मान, मोहसिन, जी चलें ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास अगली ट्रांजैक्शन क्या आती है, अगली ट्रांजैक्शन आती है जनवरी 16 की, बॉट गुड्स ऑफ ₹98,000 फ्रॉम दानिश ऑन क्रेडिट। उस्मान बताएं इसका क्या होगी डबल एंट्री। बॉट गुड्स ऑफ ₹98,000 फ्रॉम दानिश ऑन क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, बिल्कुल ठीक। पेबल दानिश क्रेडिट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। और आप नरेशन में क्या लिख देंगे, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, राइट। तो यहाँ पे आपने हल्का सा इंडेंट दिया, परचेजेस डेट डाली 16 जनवरी, परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया, दानिश का पेबल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, वेरी गुड, ठीक है। चलें जी आगे आते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जो 4 दिन पहले जनवरी 16 को जो दानिश से गुड्स परचेज किए थे, अब आप वो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, यू आर रिटर्निंग गुड्स टू दानिश, इसका क्या होगा उस्मान। पेबल टू दानिश डेबिट, वेरी गुड, परचेज रिटर्न क्रेडिट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। 19,000 से आपने पेबल टू दानिश को डेबिट कर देना है और परचेज रिटर्न्स को क्रेडिट कर देना है, और आपने नीचे लिख देनी है गुड्स गुड्स रिटर्न टू दानिश, ठीक है। आपने ये बता दिया कि गुड्स आपने रिटर्न किए थे। फिर आपके पास अगली ट्रांजैक्शन आती है, अब आप क्या कर रहे हैं, यू आर सेलिंग गुड्स टू फरहान वर्थ ₹55,000 ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जब हमने सोल्ड गुड्स वाली बात की थी, तो हमारे पास क्या हो रहा था, सेल्स हो रही थी और साथ हमारे पास कैश आ रहा था, यानी कि हमें फॉरन से कैश में पेमेंट रिसीव हो गई। अब जनवरी 25 को जब आप सेल्स कर रहे हो, सेल्स तो यहाँ पे इन्वॉल्व है, पहला आइटम आपका क्या हो गया, सेल्स, राइट, इनकम। आगे जब हम देखते हैं तो आगे हमारे इस्तेमाल ही हो रहा है ऑन क्रेडिट, तो उसका क्या मतलब है कि फरहान ने जनवरी 25 को पैसे नहीं दिए, उसने उधार से हमारे से चीजें खरीदी, हमने उधार पे फरहान को चीजें बेची, तो इसका क्या मतलब है, हमने अब अपने पास ये बात लिख लेनी है कि फ्यूचर में हमने फरहान से रिसीव करना है 55,000। अगर हम कोई चीज उधार पे खरीदते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, रिसीवेबल फरहान डेबिट हो जाएगा। अगर हम कोई चीज उधार पे खरीदते हैं और हमें अपनी बुक्स में लिखना होता है कि हमने फ्यूचर में ये पे करना है, तो हम लिखते हैं पेबल, और वो हमारी लाइबिलिटी होती है,
और अगर ये सिनारियो आ जाए कि आपके पास फ्यूचर में किसी से पैसे लेने हैं आपने, वो आपका सिचुएशन है रिसीवेबल का, और वो रिसीवेबल, ये फरहान जो है वो रिसीवेबल है, ये एसेट होता है, राइट। अब ये एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। फरहान आपका डेबिट हो जाएगा, रिसीवेबल फरहान डेबिट 55,000 और सेल्स क्रेडिट 55,000, और आपने नीचे लिख देना है कि जी बट सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। फिर आपके पास अगली ट्रांजैक्शन क्या आ रही है, पेड जावेद अकाउंट बाय कैश ₹88,000। तो क्या हुआ था, जावेद, जावेद आपने नाम पहले पढ़ा हुआ है, और जावेद से आप क्या कर रहे थे, सारी चीजें, मतलब चीजें खरीद रहे, खरीदी थी आपने। तो अब ये लिखा हुआ आ रहा है कि पेड जावेद अकाउंट इन कैश बाय कैश, यानी कि आपने जावेद को पेमेंट कर दी कैश से, तो लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, कितने से कम हुई, 88,000 से, और क्या हुआ, कैश भी आपका कम हो रहा है, ठीक है। पेबल जावेद डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा, वेरी गुड, 88,000 से, ठीक है। अब अगर किसी को एक कंफ्यूजन हो रहा हो, क्योंकि मेरी रेगुलर क्लास में एक दो बच्चों को एक कंफ्यूजन था कि कैसे हमें पता लगा कि हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है या कोई हमने चीज खरीदी है, तो देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन सिर्फ इतनी सी बताई हुई है, इसमें क्या हो रहा है कि भाई आपने जावेद को कैश के थ्रू पेमेंट की और January 27 को आपने उससे कुछ रिसीव नहीं किया, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट और बॉट गुड्स ऑन कैश बाय फ्रॉम जावेद, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि आपने बस जावेद को पेमेंट की और सामने वाली पार्टी ने हमें कुछ दिया थोड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाली पार्टी ने हमें पहले ही कुछ दे दिया होगा जिसकी पेमेंट अब वो रिसीव कर रही है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा कोई सिनेरियो कि हमने कोई चीज पहले से खरीद ली हो और बाद में हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो वो नेचुरली सी बात है क्या होती है, लाइबिलिटी की सिचुएशन होती है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सीधा सीधा हमने जो चीज पहले खरीदी थी अब हम उसकी जाके पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास लाइबिलिटी आपकी कम होगी, कैश भी आपका कम होगा, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है, कैश कम होगा तो क्रेडिट होता है, राइट, वेरी गुड। और हम लिख देंगे पेड जावेद बाय कैश, ठीक है, या पेड कैश टू जावेद, कोई भी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपने थोड़ा सा ट्रांजैक्शन को समझाना है, राइट। तो जावेद का पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश पेड टू जावेद। अब हम आते हैं आगे, January 28 को क्या हो रहा है, एक पार्टी है फरहान, दे रिटर्न गुड्स टू अस ₹10,000। तो पहले जितने हमने ट्रांजैक्शंस पढ़ी हैं रिटर्न्ड गुड्स वाली, उसमें हम रिटर्न कर रहे हैं सामने वाली पार्टी को, रिटर्न्ड गुड्स टू जावेद, वेरी गुड। अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न इन्वॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फरहान को हमने गुड्स सेल किए थे और अब वो फरहान हमें वापस कर रहे हैं गुड्स। तो जिस तरह परचेजेस कभी भी क्रेडिट नहीं होता, उसी तरह सेल्स कभी भी हमने डेबिट नहीं करना, ठीक है। ये ऑपोजिट ऊपर नीचे हो गया, ठीक है जी। तो आपने अब क्या करना है, आपके पास जब आपने ये ओरिजिनल एंट्री पास की थी सेल्स की, तो आपने क्या डबल एंट्री पास की थी, रिसीवेबल को डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट किया, और अब उसमें से क्या हो रहा है, 10,000 की ट्रांजैक्शन की रिवर्सल हो रही है, वो वापस आपको दे रहा है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है, आपने बुक्स में रिवर्स कर देनी है डबल एंट्री। लेकिन आपको मैं ये कह रही हूँ कि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट कभी भी डेबिट नहीं होगा। तो फिर जब हम सेल्स को डेबिट करने की बात आएगी, तो अब हम सेल्स की जगह सेल्स रिटर्न का टर्म इस्तेमाल करेंगे। और क्या हो रहा है, अब पहले आपको ₹55,000 रिसीव करने थे फरहान से, अब फरहान ने आज की डेट में 10,000 आपको वापस कर दिए, गुड्स वापस कर दिए। तो आप 10,000 की रिसीव तो करेंगे नहीं उनसे, तो आपने अपना क्या कर देना है, रिसीवेबल आपने अपना कम कर देना है, तो वो आपका क्रेडिट होगा क्योंकि आपका एसेट है, ठीक है। और हम लिख देंगे फरहान रिटर्न गुड्स टू अस। फिर आपके पास आगे ये है, फरहान पेड अस हिज अकाउंट ऑफ ₹45,000 बाय कैश। तो हमें कैश रिसीव हो रहा है, फरहान जो रिसीवेबल है वो हमें पैसे दे रहा है, कैश आपका डेबिट हो जाएगा 45,000 से और आपका रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 45,000 से, ठीक है जी, बात क्लियर है। तो इस तरह करके कैश रिसीव फ्रॉम फरहान, ये आपने नरेशन लिख के आपने क्या करना है, टोटल भी करना है, ताकि आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स आपको कंफर्म हो जाए कि आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई,
अच्छा, अब थोड़ा सा होम असाइनमेंट पर आते हैं। आप लोगों ने उस्मान और मोहसिन, एग्जाम्पल नंबर 2, मोहसिन आपने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन आपने काफी केसेस में नरेशंस को ओमिट कर दिया था, ठीक है? तो नरेशंस को आपने ओमिट कर दिया, 2-4 ट्रांजेक्शन में मुझे नजर आ रहा था, तो आपने नरेशंस को लिखना है, राइट? अच्छा जी, अब उस्मान, आपने, अब मुझे वैसे ये डिस्कस करनी थी, मैं इंतजार कर रही थी कि कोई गलती करे ये, तो मैं इसको डिस्कस करूं। तो आपके पास पहली जो ट्रांजैक्शन है इस एग्जांपल में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, विद रुपीज 15,000 कैश, ये तो प्रिटी मच इजी, राइट? अब दूसरी ट्रांजैक्शन आपकी क्या है, पेड रुपीज 13,500 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू अ बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस। उस्मान, दिस इज नॉट कैपिटल। कैपिटल में खास तौर पे लिखा हुआ होगा ओनर इन्वेस्टेड इतना अमाउंट इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, या इनटू द कैश टेल, या ओनर ब्रॉट इतना पर्टिकुलर एसेट या फर्नीचर फॉर एग्जांपल फ्रॉम हिज पर्सनल यूज टू हिज बिजनेस यूज, ऐसी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई होंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पेड रुपीज 13,500 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू अ बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस। तो अब यहाँ पे जरा एक चीज देख लें, आपके पास होता क्या है, कैश यानी कि पेपर मनी, कैश आपके पास दो फॉर्म्स में आपको नजर आ सकता है, ठीक है? एक कहलाएगा कैश एट बैंक, दूसरा कहलाएगा कैश इन हैंड। कैश एट बैंक क्या होता है, वो पेपर मनी, वो कैश जो कि आपने बैंक अकाउंट में रखवाया हुआ है, और कैश इन हैंड क्या होता है, वो पेपर मनी, वो कैश जो कि आपके ऑफिस में पड़ा हुआ है, दराजों में पड़ा हुआ है, सेफ में पड़ा हुआ है, ठीक है? नॉर्मली सेफ में रखा जाता है उसको। तो क्या हो गया, ये दो आपके पास कैश जो है वो फिजिकली फिर दो जगहों पे प्रेजेंट हो सकता है ना, या तो बैंक में मौजूद होगा या फिर आपके पास ऑफिस में थोड़ा बहुत कैश पड़ा हुआ होगा। तो जो कैश इन हैंड होता है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ कैश की टर्म से बुलाते हैं, और जो कैश एट बैंक होता है उसको हम डिनोट करते हैं बैंक से। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है? तो हम उसको क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं, कैश इन हैंड को सिंपली हम कह देते हैं कैश। जी, आपकी क्या, आपकी एग्जांपल, आप माइक ऑन करके मेरे से बात कर लो। जी, अच्छा, यूजिंग एंड्रॉइड। तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपकी जो आपने जो डबल एंट्री पास की है ना, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ये गलत है, मैं अभी समझा रही हूँ, ठीक है? अच्छा चले, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि आपके पास कैश, अच्छा आपसे हुई, आपको समझ आ गई है कि क्या मिस्टेक हुई है, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट होगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक, दैट्स वेरी गुड। तो आपके पास इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 में हुआ क्या कि आपने कैश के साथ कैपिटल इन्वेस्ट किया, मतलब कैश की फॉर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया, इसमें बैंक का टर्म इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। और फिर दूसरी ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है कि वो जो कैश आपके पास सेफ में पड़ा हुआ था, ऑफिस में पड़ा हुआ था, उसमें से 13,500 रुपए आपने निकाले और आपने क्या डाल दिया, उसको बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो अब ये क्या हो गया, दिस इज नॉट कैपिटल। इसमें क्या हो रहा है, कैश इन हैंड आपका कम हो रहा है, कैश एट बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें डबल एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट, ठीक है? चले, वेरी गुड, आपको क्लियर हो गया। अच्छा, जो दूसरी आपने मिस्टेक इसमें की है, ओपनिंग कैश से क्या मुराद है, ओपनिंग कैश से ये मुराद है किस मतलब बिजनेस के शुरू में जो कैश था, बिजनेस के जो स्टार्ट में कैश मौजूद था, ओपनिंग कैश यही हो गया ना, ये सिर्फ ऐसे टर्म इस्तेमाल किया हुआ, इट डजंट मीन एनीथिंग स्पेशल। कि जिस कैश से आपने बिजनेस शुरू किया वो ओपनिंग कैश बन गया, और वो जो है उसमें से आपने जी थोड़ा सा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया बैंक अकाउंट में, ठीक है? अच्छा, और जो दूसरी आपने मिस्टेक की है, वो आपने यही की है कि आपने पेबल लिखा हुआ है, आपने पेबल का आगे नाम नहीं लिखा खास, ठीक है? तो जहाँ पेबल है, सेकंड ट्रांजैक्शन है, बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम यूनस। तो अच्छा, एक और मिस्टेक, अब आपने एसेट लिखा है, आपने एसेट नहीं लिखना, जनवरी जून 5 को क्या हो रहा है, बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, एसेट तो इस पर्टिकुलर आइटम का मेन हेड ऑफ अकाउंट है,
तो आपने एसेट का टर्म तो इस्तेमाल ही नहीं करना, आपने खास बताना है कि कौन सी टाइप ऑफ एसेट। सिर्फ कैपिटल और ड्रॉइंग्स के केस में आपका जो हेड ऑफ अकाउंट है वही आप डिस्क्रिप्शन में भी लिखते हो, पर्टिकुलर्स में भी लिखते हो, लेकिन बाकी सारे सिनेरियोज में आपने उनके खास नाम लिखने होते हैं। बात क्लियर हो गई? तो अब जो आपके पास दूसरी ट्रांजैक्शन है उसमें आप दो आइटम्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पे, यानी कि यूनस यूनस के नाम की लाइबिलिटी हो गई, राइट? तो आपके पास ऑफिस फर्नीचर एसेट है। हम ये बात क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि फलानी चीज एसेट है, ताकि हमें पता लगे कि उसका फिर इफेक्ट क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, राइट? तो इसलिए मैं वो एसेट और लाइबिलिटी वो मैं सिर्फ लाइन लगाते हुए, अगर आपने नोट किया एग्जाम्पल वन और एग्जाम्पल थ्री में जब मैं आप लोगों को करवा रही थी, तो मैं जब उसको अंडरलाइन करती थी, जब मैं आइटम्स को आइडेंटिफिकेशन की स्टेज पे होती थी, तब मैं लिखती थी ये एसेट है तो ये डेबिट होगा, ये लाइबिलिटी तो ये क्रेडिट होगा। जब मैं जर्नल जनरल जर्नल में ये लिख रही होती थी, तो मैंने कभी भी एसेट और लाइबिलिटी के टर्म्स नहीं यूज किया, ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या करना है अपने आप जी बिल्कुल, आप करेक्ट कर लो अपने आप को। जून 5 में एसेट डेबिट नहीं होगा, ऑफिस फर्नीचर डेबिट होगा 900 से, और पेबल को क्रेडिट नहीं करेंगे, पेबल के आगे आप हाइफन लगा के डैश लगा के यूनस भी लिख दें, ठीक है? आपने नाम भी लिख दिया कि ठीक है कौन सी पार्टी को आपने पे करना है, फिर आपने नीचे चले नरेशन चले उसमें आपने यूनस का नाम लिख दिया, कोई मसला नहीं। तो अब जहां जहां एसेट आपने लिखा है, मोटर व्हीकल के केस में भी आपने एसेट लिखा है, एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो बताएं बताएं बैंक भी तो एसेट था, उसकी जगह आपने एसेट क्यों नहीं लिखा? आपने बैंक की जगह बैंक का सही वाला नाम लिखा है, प्रॉपर नेम लिखा है उसका, आइटम का नाम लिखा है, तो आपको मोटर व्हीकल में भी वही लिखना चाहिए था, ठीक है? बैंक भी तो एसेट है, फिर दोनों एसेट एसेट पर्टिकुलर्स में एसेट डेबिट और एसेट क्रेडिट आना चाहिए था, राइट? तो आपने क्या करना है, जहां पे आपने एसेट लिखा है आपने उसमें खास उस एसेट का नाम लिखना होगा। जून 8 में कौन सा एसेट डेबिट होगा, मोटर व्हीकल डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा, चले वेरी गुड, एसेट और पेबल। फिर अगले उसमें आपने जून 12 में जावेद का नाम लिखना है पेबल के आगे, ठीक है? अच्छा इसी तरह चले आप करेक्ट कर लोगे फिर उसको, ठीक है? और एसेट अच्छा जून 25 में आपने एसेट के आगे जो है ब्रैकेट में सोल्ड भी लिख दिया है, नहीं ऐसे नहीं करना, बस एसेट का नाम लिख देंगे जून 25। कौन सा एसेट? मशीनरी, ऑफिस मशीनरी, ठीक है? मशीनरी को बस क्रेडिट पे लिख देंगे, कैश डेबिट मशीनरी क्रेडिट, तो आगे सोल्ड ब्रैकेट में नहीं लिखना, ठीक है? आपने जो छोटी मोटी डिस्क्रिप्शन देनी है वो तो आप नीचे नरेशन में दे रहे हो ना, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, ठीक है? तो अब आप ये ठीक कर लोगे इसको। सही है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमने कर ली, हमने थोड़ा बहुत सीख लिया कि आपके पास अभी सिर्फ एक ड्रॉइंग्स की एक ट्रांजैक्शन है जो कि हमने अभी तक नहीं दी देखी, ठीक है? लेकिन वो हम इंशाल्लाह एक आपके पास एग्जाम्पल में आ जाएगा वो। अब मैंने आपके LMS पर एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है, मतलब अपलोड किया है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर C6 और C7 है पैक के क्वेश्चन बैंक के, ठीक है? तो जिनके पास पैक का क्वेश्चन बैंक नहीं है 3rd एडिशन, वो यहां से देख लें। चलें जी, इलियास कई आपके पास क्वेश्चन है। अच्छा इसमें मैं बस अब एक बात आपको ये बता दूं, जरा एग्जाम्पल पर आते हैं वापस, एग्जाम्पल वाले हैंडआउट पे। जब हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं तीनों एग्जाम्पल्स की, तो तीनों एग्जाम्पल्स की रिक्वायरमेंट्स में क्या लिखा हुआ है? पहली एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है ड्रॉ जनरल जर्नल, ठीक है? दूसरी में क्या लिखा हुआ है? पास जर्नल एंट्रीज, और तीसरी में भी क्या लिखा हुआ है? पास जर्नल एंट्रीज। तो हमने ये देखा कि जब हमारे पास इन दोनों टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स में से कोई भी एक आ जाती है, या तो हमें कहा जाता है कि ड्रॉ जनरल जर्नल या कहा जाता है पास जर्नल एंट्रीज, तो हम क्या करते हैं, हम सेम तरीके से उसका जवाब देते हैं, मतलब डेट डालते हैं, जनरल जर्नल बनाते हैं, पर्टिकुलर्स आ गया, डेबिट आ गया, क्रेडिट आ गया, राइट? यानी कि दोनों का मतलब एक ही है कि दोनों में आपने एक ही काम करना है रिक्वायरमेंट्स में। बस एक बात याद रखें, अभी तो नहीं, अभी तो आप नरेशंस के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर अगर सवाल में आ जाता है ना सिर्फ पास जर्नल एंट्रीज, तो टाइम को सेव करने के लिए आप नरेशंस को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? अनलेस कि उसमें खास तौर पे मेंशन हुआ हुआ कि भाई नरेशंस आर नेसेसरी या नरेशंस आर रिक्वायर्ड। बात समझ आती है?
तो सिर्फ टाइम, उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको डेफिनेटली सब बात है मार्क्स भी देखने होंगे कि क्या सवाल के इतने मार्क्स हैं। अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है, इतनी ट्रांजैक्शंस नहीं है, 2, 4, 5 ट्रांजैक्शंस हैं लेकिन मार्क्स फॉर एग्जांपल 9 मार्क्स हैं, तो फिर आपको समझ आ जानी चाहिए। तो इसका मतलब है कि भाई नरेशन में अवॉइड ना करूं, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम है, मार्क्स ज्यादा है, तो नेचुरली सी बात है इसमें चीजें टेस्ट हो रही होंगी। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह जो वो डिस्कशन है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स एलोकेटेड होंगे, तो कितना टाइम देना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, तो ये बात इंशाल्लाह आप लोगों के साथ क्लियर हो जाएगी, राइट। अब आपके पास, आपके सामने खुला हुआ है क्वेश्चन नंबर C6, कर सकते हैं अटेम्प्ट अभी इसको। जी एक काम ये करें, ये भी आप अपना चलें, ठीक है, C6 जल्दी से अटेम्प्ट करना शुरू करें। ठीक है, 20 मार्क्स का सवाल है और इसमें आपको मांगी गई है कि आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो आप चलें नरेशंस के बगैर, नरेशंस क्योंकि लिखना मेरे हाथ सब आप लोगों को आ गया, राइट, नरेशंस के बगैर जरा ये मुझे जल्दी से सॉल्व करके अपने पास डबल एंट्रीज नोट करें, फिर मैं रीड आउट करूंगी कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। इसमें जरा मैंने आपको एक दो चीजें बतानी है, स्पेशली जो आइटम नंबर 3 है, जुलाई 3rd की जो ट्रांजैक्शन है, लेकिन पहले आप थोड़ा खुद करें फिर देखते हैं। ठीक है, चलें जी, सही है उस्मान, ये अटेम्प्ट करना है, दिस इज योर क्लास क्लास वर्क, ये क्लास असाइनमेंट है। अच्छा, ये मैं अपलोड कर चुकी हूँ आपकी LMS पे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लें इसको। ये रहा प्रैक्टिस मटेरियल, जर्नल एंट्रीज, हैंडआउट 2। बच्चे आप कोई कॉपी या कोई रजिस्टर नहीं है आपके पास, तो आप नोटिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो, आप कॉपी ले आओ, ये मैंने अपने रेगुलर क्लास में भी ये क्लास में करवाया था। ठीक है, तो इसको एटलीस्ट 3-4 इसकी जो शुरू की ट्रांजैक्शंस हैं मुझे वो करवानी है आपको। और प्लीज आप जब लेक्चर अटेंड करने बैठे हो तो थोड़ा रुके, रजिस्टर वगैरह। अच्छा नहीं, आप ये अटेम्प्ट कर लें, चले मेंटली या मोबाइल पे ही कुछ कर लें। एटलीस्ट जुलाई 4th तक का कर लें, जुलाई 4th तक की ट्रांजैक्शंस को। चले ये भी ठीक है, इधर ही टाइप कर दें, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, वेरी गुड। दूसरा अभी दूसरी ट्रांजैक्शन क्या आ गई, कूपर ने हमें क्या किया है, सिर्फ मोशन आप भी इधर ही टाइप करके बता दो, सिर्फ पहली 4 ट्रांजैक्शंस करनी है। ठीक है, कूपर लेंटस ₹400 इन कैश, अब ये क्या हो गया, कैश डेबिट पेबल क्रेडिट, अब ये बात मैंने आपको बतानी थी, वन ऑफ द थिंग्स। अब यहाँ पे देखो आप पेबल, पेबल
टेबल के आगे एक तो आपने नाम नहीं लिखा, ठीक है, पहले गलती तो ये हो गई। दूसरा ये, अब ये किस टाइप की लाइबिलिटी है? ये लोन लाइबिलिटी है। तो आई वुड प्रेफर कि आप इसको कैसे लिखें, आप इसको इस तरह से लिखें, ये ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होगी। कैसी चले? कैश तो आपके पास हो रहा है डेबिट, आपके पास कैश आ रहा है, ठीक है, कितने का आ रहा है? आपके पास आ रहा है 400 रुपीज का, राइट। ऑन दी अदर हैंड आप इसको लिखो लोन फ्रॉम कूपर, राइट, क्योंकि देखो पेबल इज वन टाइप ऑफ ए लाइबिलिटी, और पेबल के आगे फिर नाम नाम वगैरह से उसको फर्दर डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। लोन इज अनदर टाइप ऑफ अ लाइबिलिटी, ठीक है। इवन दो ये टर्म ऑब्वियसली पेबल का मतलब ही है कि फ्यूचर में वो पैसा जो कि पे करना है, लेकिन हम यहाँ पे बेहतर है कि डिस्क्रिप्शन में थोड़ा स्पेसिफिक कर दें, यानी कि हमें जब ये लोन का टर्म हम पढ़े तो हमें समझ में आ जाए कि ओ अच्छा, इसका मतलब है कि कूपर ने, ऊपर से हमने कोई चीज खरीदी नहीं है उधार पे, बल्कि क्या हुआ है, ये किस किस्म की लाइबिलिटी है, किस तरह से क्रिएट हुआ कि कूपर ने हमें पैसे दिए, हमें लोन दिया है, राइट, इन कैश। बात क्लियर है? तो आप इसको इस तरह से लिखो, कैश डेबिट लोन कूपर क्रेडिट, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब अगला बताएं। अच्छा, परचेजेस डेबिट पेबल जोन्स क्रेडिट, और चार्ल्स, चार्ल्स का क्या होगा? परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। मोहसिन, ये कहाँ लिखा हुआ है कि चार्ल्स से हमने कैश पे क्रेडिट पे कैश पे परचेजेस किए हैं? ये तो नहीं लिखा हुआ है इसमें। इसमें क्या लिखा हुआ है? बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जोन्स ₹840 एंड चार्ल्स ₹3600, दोनों से आपने उधार पे खरीदा है, आपने दोनों से गुड्स खरीदे हैं उधार पे, तो क्या होना चाहिए? नोप, नहीं, क्रेडिट आपका सब पूरी दोनों आइटम्स के लिए है, एक स्टेटमेंट में क्रेडिट इस्तेमाल हुआ है और उस स्टेटमेंट में चार्ल्स का भी आ रहा है। अगर ये लिखा होता बॉट गुड्स फ्रॉम जोन्स ऑन क्रेडिट एंड चार्ल्स फ्रॉम चार्ल्स ऑन कैश, तो फिर हम ये बात कहते हैं। बिल्कुल ठीक उस्मान, मोहसिन, उस्मान वाला तरीका सही है। आप क्या करोगे, अब आपको एक ही डबल एंट्री में ये बात लिख दो, एक ही डबल एंट्री में आपने July 3rd के बारे में बताना है, राइट। तो आपने डेट डाली, ठीक है, फिर बारी आ गई डेबिट क्या होगा, जैसे ही ये बॉट, अच्छा मुझे एक बात बताओ मोहसिन, एक बात बताओ, बॉट गुड्स भी तो फिर सिर्फ जोन से पहले लिखा हुआ है, चार से पहले तो नहीं लिखा हुआ, ये बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट ये तो सिर्फ जोन से पहले लिखा हुआ है, तो फिर चार्ल्स के लिए आपने परचेज को डेबिट क्यों किया, राइट, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, तो पूरा फ्रेज है, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, जेन जोन्स के लिए भी और चार्ल्स के लिए भी, राइट। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जैसे ही परचेज गुड्स देखे तो आपने क्या किया, कहा कि परचेजेस जो है वो मेरे आएंगे यहाँ पे, मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रही लेकिन यू हैव द आइडिया कि ये डेबिट कॉलम है ये क्रेडिट कॉलम है, राइट। तो आपने कहा कि परचेजेस मेरी डेबिट होंगी। अब आज के दिन ही एक ही टाइम पे फॉर एग्जाम्पल आपने जोन से भी खरीदा और चार्ल्स से भी खरीदा, तो आपने क्या करना है, परचेजेज यानी कि आपकी डेबिट होनी है, मैंने अभी तक फिगर नहीं लिखी। अब क्रेडिट क्या होगा, पेबल जोन्स और पेबल चार्ल्स, दो क्रेडिट्स हो रहे हैं ना, दो लाइबिलिटीज आपकी खड़ी हो रही हैं एक ही ट्रांजैक्शन में। आपने क्या किया, जोन्स को पेबल कितना खड़ा हो गया, क्रेडिट पे आपने उसे कितना खरीदा 840, और 3600 आपने खरीदा चार्ल्स से, राइट। तो
तो अब हमने क्या पढ़ा है, हमने हमेशा यह पढ़ा है कि किसी भी डबल एंट्री में डेबिट शुड ऑलवेज इक्वल क्रेडिट। तो अब परचेजेस की फिगर क्या हो जानी चाहिए, 4400। कैसे आया, 840 + 3600। क्लियर होगी बात। तो आप क्या करें, एक ही ट्रांजैक्शन में आपने इन दोनों परचेजेस को मुका दिया, राइट। आपने इन दोनों ट्रांजैक्शंस को एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही डबल एंट्री में आपने इनको कहा दिखा दिया, प्रेजेंट कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, राइट। तो परचेजेस डेबिट 4400, पेबल टू जोन्स एंड पेबल टू चार्ल्स। अब ये होंगे इंडिविजुअली 8840 और 3600, ठीक है। क्लियर होगी बात। जी मोहसिन, क्लियर है? उस्मान, चलें, जबरदस्त। यही बात मुझे करनी थी। आगे की ट्रांजैक्शंस बिल्कुल रेगुलर सी हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, टुक्स 250 आउट ऑफ द कैश एंड पेड इनटू द बैंक। तो आप लोगों ने करना है क्या, आपने इसको हाँ बिल्कुल कैश डेबिट सेल्स करेड। अब ये तो बाकी सारा कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये जुलाई 28 में क्या ट्रांजेक्शन आ रही है। Elias put a further 500 into the business in the form of cash. तो उस्मान, अब ये क्या है, ये कैपिटल है, ठीक है। इधर कैपिटल आपका इन्वॉल्व हो रहा है, कैपिटल और कैश, क्योंकि लिखा हुआ है खास कि Elias ने फर्दर क्या की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। तो आपके पास कैपिटल जो है वो जरूरी नहीं है कि इस महीने के शुरू में या बिजनेस के शुरू में ही हो, कैपिटल आपका कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। और वो कैश किस फॉर्म में भी हो सकता है, बैंक की फॉर्म में भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई भी एसेट हो सकता है, ठीक है, जो वो इन्वेस्ट करे। हम आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे उसको, और भी तरीकों से कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, राइट। तो ये वाला सवाल आप कर लेंगे, C6, राइट। अब हम आते हैं, हमने अभी दो स्टेप्स पढ़ लिए हैं, दो चीजें पढ़ ली हैं। हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, हमने ये देख लिया कि जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, राइट। रिकॉर्डिंग हम कहाँ पे करते हैं जी, हम जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में करते हैं, जनरल जर्नल में। तो जब रिकॉर्डिंग की स्टेप पर आ गए, रिकॉर्डिंग हमने कर ली, अब उससे अगला स्टेप आप नोट कर लें। रिकॉर्डिंग ये कर देती हूँ मैं यहाँ पे, रिकॉर्डिंग, स्टेप नंबर वन, राइट। स्टेप नंबर टू क्या है, रिकॉर्डिंग करने के बाद अब आपको करनी है, पोस्टिंग करनी है लेजर अकाउंट्स की। तो होता क्या है कि पहले आप सारा जनरल जर्नल कंप्लीट करते हो, पूरे महीने की आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके लिए हम एक काम ये करते हैं, जो हमारे पास ये था एग्जाम्पल नंबर थ्री थी, हम उसके जनरल जर्नल को यूज कर लेते हैं, ठीक है, पोस्टिंग के लिए। तो आपने पहला स्टेप क्या हुआ, आपने पहला स्टेप पे क्या किया, इस तरह से जनरल जर्नल बना लिया अशरफ का जनवरी के महीने का। और अब क्या करना है आपको, अब आपको इनको करना है, पोस्टिंग करनी है लेजर अकाउंट्स में। अब यहाँ पे जरा एक चीज नोट कर लें, आपके पास जो लेजर्स हैं, या इनका नाम हम लेजर अकाउंट्स, ये बेसिकली होते क्या है, टर्म है अगेन, ठीक है। इसमें होता क्या है, बनाते क्या है, वो इंशाल्लाह अब हम सीखेंगे, राइट। लेजर अकाउंट्स आपके दो किस्मों के होते हैं, एक आपका होता है टी अकाउंट्स, ये फॉर्मेट है, और दूसरा आपका क्या होता है, आइडिया है? रनिंग बैलेंस लेजर्स, थ्री कॉलमनर लेजर, ठीक है, ये नोट कर लें आप लोग। नहीं, सब्सिडरी और वो तो अलग चीज है, वो हम अभी नहीं कर रहे, ठीक है। सब्सिडरी लेजर्स और मेन लेजर, जनरल लेजर, वो तो समथिंग एल्स। मैं लेजर या अकाउंट्स की बात कर रही हूँ, जो टी अकाउंट्स होते हैं ना हम लोग जो बनाते हैं, जिसमें हमने पोस्टिंग करनी है, जिसमें हमने डबल एंट्रीज को अब शो करना है, ठीक है, फर्दर जो उनका स्टेप है। तो या तो आपका फॉर्मेट क्या होगा, टी अकाउंट्स का होता है, और दूसरा आपके पास फॉर्मेट, फॉर्मेट्स हैं बेसिकली ये, ठीक है, और दूसरा आपके पास है रनिंग बैलेंस लेजर्स या थ्री कॉलमनर लेजर, ठीक है, नोट कर लिया ये। पहले हम देखते हैं टी अकाउंट्स को, कि टी अकाउंट्स कैसे बनते हैं और पोस्टिंग कैसे होती है टी अकाउंट्स में, फिर हम इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे रनिंग बैलेंस लेजर्स को, ठीक है। अब टी अकाउंट्स को टी अकाउंट क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप होती है टी की तरह। अच्छा, अभी मेरे पास सॉफ्ट बोर्ड तो नहीं है, मैं इंशाल्लाह मंडे को दोबारा आप लोगों को सॉफ्ट बोर्ड पे टी अकाउंट बनाना, मतलब किस तरह से हम पेज पे बनाएंगे, ठीक है, वो हम सीख लेंगे। अभी तो मेरे पास ऑब्वियसली एक्सेल है, तो मैं इसमें ही बनाऊंगी।
आपने करना क्या है, पहले तो आपने एक सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है? आपने पहले सीधी लाइन खींच ली, राइट? ये ऐसे करके, और फिर आपने बीच में एक और लाइन खींचनी है लंबी सी। तो ये किस तरीके से हो गया, ये बन गया एक कैपिटल टी, इसलिए इसका नाम है डी अकाउंट, ठीक है? अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बता रही हूँ कि इसमें हम किस तरह से चीजों को लिखते हैं, ठीक है? क्या इसका क्या हेडिंग्स आएंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? अच्छा जी, ये आपका टी अकाउंट है, इस हेंस इसका नेम टी अकाउंट पड़ा। यहाँ पे आप लिखते हो ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाता है टाइटल ऑफ द अकाउंट। जिस तरह जनरल जर्नल में मैंने लिखा था नेम ऑफ द बिजनेस, तो वो आपका फिर डिफरेंट ही होगा, इसलिए मैंने एक जनरल यहाँ पे लिख दिया टाइटल ऑफ द अकाउंट। फिर जो द बाकी जो आपके पास हेडिंग्स हैं उसमें ये आएंगे, कुछ चार कॉलम्स होंगे हर साइड पे, एक साइड पे, ठीक है? डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, ये फोलियो नंबर, ये वही है जो जनरल जर्नल में भी आपको नजर आया था, लेजर कोड, ठीक है? जो भी डिपेंड करता है क्वेश्चन में गिवन है या नहीं, और रुपीस। राइट, तो आपके पास दोनों साइड्स पे ये आपकी हेडिंग आ गई, लाइन से ऊपर टी के ऊपर टाइटल ऑफ द अकाउंट आएगा, फिर आपके पास नीचे आएगा डेट पर्टिकुलर। सवाल में अगर फोलियो नंबर या लेजर कोड भी गिवन है तो लेजर कोड का भी आप कॉलम एक डाल देंगे, और रुपीस, और दूसरी साइड पे लाइन की दूसरी साइड पे भी, ये चारों। तो आपने उसको बनाना कैसे है, अपने रजिस्टर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, बस उसको टी करेंगे। मेरे पास यहाँ पे काफी वो बड़ा बन गया, लेकिन टी अकाउंट्स बनते हैं बड़े कंजस्टेड से और बड़े मतलब छोटे बनते हैं, नेचुरली सी बात है। जितना आपका रजिस्टर की विड्थ होती है उतना आप बना लो टी अकाउंट, ठीक है? ताकि आपकी थोड़ा खुला खुला रहे। तो आपने दोनों को, पूरे टी को एक ही लाइन में मतलब एक ही सीध में लेकर आना है, ऐसा नहीं कि इसको ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है? तो अगर आप ये पहली दफा सीख रहे हो तो टेंशन ना लें, मैं मंडे को इंशाल्लाह इसको बोर्ड पे भी बना दूंगी, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह कि इसको किस तरह से बनाना है, राइट? चलें जी, इसको अज्यूम करें कि जैसा ये मेरा पूरा एक पेज है, ये मेरा पूरा पेज मतलब पेज की विड्थ है, ये इतना मेरा रजिस्टर चौड़ा है, राइट? तो मैंने इसको इस तरह से बना लिया। तो अब आपके पास ये हेडिंग्स आपको हर जगह नजर आएंगी, अनलेस कि अगर आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन में फोलियो नंबर नहीं गिवन होगा तो हम जगह क्यों जाया करें, हम एडिशनल कॉलम क्यों रखें, हम इसको ओमेटी कर देंगे, ठीक है? अब हम आते हैं पोस्टिंग किस तरह से करते हैं टी अकाउंट्स के अंदर। इसके लिए आपको खोलना पड़ेगा जो आपने जर्नल एंट्रीज पास की है, ठीक है? हम अशरफ वाले पे आ जाते हैं। अशरफ वाले में या एक काम ही करते नहीं चले, अशरफ वाला ही करते हैं, ठीक है? इसमें परचेजेस वगैरह भी। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहली ट्रांजैक्शन को पिक किया, पहली ट्रांजैक्शन में जो सबसे पहला आइटम डेबिट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, कैश का डेबिट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने एक टी अकाउंट खोलना है, ठीक है? और उसके टाइटल में क्या लिख देंगे, कैश। अब इस तरह टाइटल ऑफ द अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। अगेन उस्मान, यहाँ पे एसेट नहीं लिखना, हेडिंग में एसेट नहीं आएगा, टाइप ऑफ द एसेट आएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, कैश के लिए हम अलग टी अकाउंट खोलेंगे, बैंक के लिए हमारा अलग होगा, फर्नीचर के लिए अलग होगा, ऑफिस मशीनरी के लिए अलग होगा। तो नेचुरली सी बात है, इसमें बहुत ऑब्वियसली टाइम लगता है और ये काफी लेंदी सा सवाल हो सकता है अगर आपके पास ट्रांजेक्शन बहुत सारी है, अगर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स इन्वॉल्व है। तो आगे देखते हैं, आपने टाइटल ऑफ द अकाउंट में लिख दिया कैश, और आपने ये चारों चारों भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस सवाल में फोलियो नहीं गिवन, राइट? ये जो आपके पास एग्जाम्पल थी इसमें फोलियो या अकाउंट कोड के नाम से हमने कोई चीज नहीं पढ़ी, अभी तक हमने वो बात की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने इस वाले कॉलम को कर दिया ओमिट। ये वाला कॉलम जब हम ओमिट करेंगे तो नेचुरली सी बात है हमारा जो वो है टी अकाउंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, राइट? इसको हम डिलीट कर देंगे, ये हमारा कम हो गया, जगह कम घेरेगा, या अगर जगह उतनी घेरेगा तो एटलीस्ट कॉलम्स बाकी खुले खुले बन जाएंगे, ठीक है? फिर आप आए वापस इधर, कैश का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 5 लाख से 1 जनवरी को। तो अब आप इधर आ जाएं, टी अकाउंट का जो ये वाला साइड होता है लाइन के इस साइड, ये कहलाता है आपका डेबिट साइड,
ठीक है, ये कहलाता है आपका डेबिट साइड। और लाइन के दूसरी तरफ सीधे हाथ पे जो सीधे हाथ वाला साइड है वो कहलाता है आपका क्रेडिट साइड, राइट। तो अब क्या हो रहा है, आप इधर आए वापस ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो आप ये देखते हैं कि कैश आपका डेबिट पे न होता हुआ नजर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, ₹5 लाख, डेट क्या थी, 1 जनवरी, बिल्कुल 1 जनवरी, 5 लाख आपने लिख दिया रुपीस के नीचे और डेट के नीचे। अब सवाल ये आता है कि आप पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर्स में आपने क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स में क्या हम कैश ही उठा के लिख देंगे, नहीं, जो उसका लिखा हुआ, मतलब जर्नल एंट्री को एज इट इज उस लाइन को कॉपी नहीं करना, डेट और रुपीज उसी तरह से आएगा, डेबिट साइड पे वही चीज कॉपी हो जाएगी, लेकिन पर्टिकुलर्स में आपने क्या करना है, वापस से आप ट्रांजेक्शन पे जाते हैं, इस ट्रांजेक्शन को अब आप पोस्ट कर रहे हैं ना, इस एंट्री को पोस्ट कर रहे हैं, इस लाइन को पोस्ट कर रहे हैं, तो इस लाइन के जो दूसरा इफेक्ट है, जो क्या क्रेडिट इफेक्ट है, आपने वो देखना है कि उसमें क्या चीज, क्या नाम इस्तेमाल हो रहा है, क्या टर्म इस्तेमाल हो रहा है, क्या आइटम है, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि कैश के ऑपोजिट क्या टर्म यूज हुआ हुआ है, कैपिटल का। तो पर्टिकुलर्स में टी अकाउंट के हमने क्या यूज करना है यहाँ पे, कैपिटल। क्लियर होगी बात, कैश के टी अकाउंट में पर्टिकुलर्स में आएगा जो कैश से ऑपोजिट जो टर्म इस्तेमाल हो रहा है, अगर कैश डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट में क्या लिखा हुआ है, राइट। तो आपने ऑपोजिट वाला टर्म यहाँ पे उठा के लिख देना, इसका एक रीजन है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अब ये टी अकाउंट आप मेरे सामने लेकर आते हो, मुझे ट्रांजेक्शन का कुछ नहीं पता, मैंने डबल एंट्रीज आपकी पहले देखी नहीं है अशरफ की, और आप मेरे सामने ये टी अकाउंट लेकर आते हैं जिसमें पर्टिकुलर में क्या लिखा हुआ है, कैश ही लिखा हुआ है, तो अब आप मुझे अगर बोलते हैं कि जी ये हमारा ये टी अकाउंट है, तो मैं इस टी अकाउंट को बीइंग एन अकाउंटेंट कैन आई अंडरस्टैंड कि ये क्या ट्रांजैक्शन हुई है। हमने अकाउंटिंग को इस तरह से करना होता है कि थोड़ी बहुत चीजें क्या हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी से क्या मुराद है कि मैं इस टी अकाउंट को देखूं तो मुझे पता लग जाए कि काम क्या हुआ था, तो जब मैं ये देख रही हूँ तो मुझे ये बात जरूर पता लग रही है कि मेरा कैश इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मेरा कैश का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और कैश एसेट है, एसेट जब डेबिट होगा मतलब कि इंक्रीज, और मुझे बस सिर्फ डेट पता लग रही है और अमाउंट पता लग रही है, और ये पता लग रहा है कि सिर्फ कैश मेरा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, ट्रांजेक्शन क्या हुई थी, वो मुझे कंप्लीट नहीं पता लगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स में कैपिटल लिखती हूँ, अब एवरीथिंग वुड बी क्लियर। मैं क्या कहूंगी, मेरा कैश डेबिट हो रहा है, मेरा कैश इंक्रीज हो रहा है 5 लाख से 1 जनवरी को, क्यों, क्योंकि ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया। तो जो ये टर्म है कैपिटल का, इससे मुझे सारी बात क्लियर हो जाएगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ये नहीं करना कि टी अकाउंट में जो टाइटल है कैश आपका कहीं पे भी रिपीट नहीं होना चाहिए नीचे, कैश के ये टी अकाउंट में। इज दैट क्लियर उस्मान? जी उस्मान क्लियर है, चलें ठीक है, वेरी गुड। मोहसिन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें जी, अब आप आते हैं, ये तो आपने इस ट्रांजैक्शन की पहली लाइन को आपने पोस्ट कर दिया, अब आप आते हैं दूसरे आइटम पे, इसी ट्रांजैक्शन की दूसरा इफेक्ट, डबल एंट्री कहाँ पे पास होगी, अब आपने एक नया टी अकाउंट खोल देना है कैपिटल के नाम से, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में अब एक आइटम कैपिटल का भी आ रहा है, तो आपने कैपिटल को लिखा टाइटल ऑफ द अकाउंट में, राइट। ये वाली हेडिंग्स आपकी वैसे ही कॉपी होंगी, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस। अब हम आते हैं, अब कैपिटल का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 5 लाख से, ठीक है, तो अब आपने कौन सी साइड पर चले जाना है, अब आपने क्रेडिट साइड पर आ जाना है, क्रेडिट साइड है लाइन की इस साइड पे, 5 लाख रुपीज आपने लिखे यहाँ पे, डेट वही वाली है 1 जनवरी। अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे उस्मान, कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे अब इस ट्रांजैक्शन के, कैश, वेरी गुड मोहसिन, उस ठीक है, बिल्कुल ठीक उस्मान, आपको भी समझ में आ गया, दैट्स वेरी गुड, ओहो ठीक
ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिख दिया कैश, तो अब अगर मुझे आप कैपिटल अकाउंट मेरे सामने रखेंगे तो मुझे पता लग जाएगा, अच्छा कैपिटल से मुराद है ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया 1 जनवरी को कितने का, 5 लाख का, और किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, कैश इन हैंड की फॉर्म में, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। आपने फिर यही काम करना है, अब आप आ गए अगली ट्रांजेक्शन पे, अगली ट्रांजेक्शन में अब परचेजेस अकाउंट आ गया, आपने वो डेबिट करना है, अब आपने परचेजेस का टी अकाउंट दोबारा खोलना है, राइट। अब आपने क्या किया, ये एक्सेल में तो आसान है, ठीक है, आप उसको कॉपी करते रहते हो, लेकिन हाथ से करने में थोड़ा मसला होता है, राइट। आपने परचेजेस का टी अकाउंट खोला, ये हेडिंग यहाँ पे कॉपी की, और अब क्या हो रहा है, सेकेंड ट्रांजैक्शन हो रही है 5 जनवरी को, परचेजेस अकाउंट अब आपने डेबिट करना है 85,000 से, तो डेबिट साइड पे आ गए 85,000, डेट डाल दी, ये काम तो हो गया। अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, अब आपने दूसरा आइटम देखना है कि इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आया था, कैश पे आया था, तो आपने पर्टिकुलर्स में उठा के लिख दिया कैश, ठीक है। तो परचेजेस की जो एक सिंगल एंट्री है वो तो आपने पास कर दी, पहली एंट्री तो आपने पास कर दी, अब इसकी दूसरी एंट्री डबल एंट्री कहाँ पे हुई हुई है, अब आपने देखा तो इसमें कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ हुआ है, और कैश अकाउंट आप ऑलरेडी खोल चुके हैं, ठीक है, कैश का टी अकाउंट आप ऑलरेडी खोल चुके हुए हैं, तो आप वापस से उस कैश के अकाउंट में जाएंगे जो आपने सबसे पहले खोला था, ये कैश का अकाउंट, और इसी अकाउंट में अब ये वाली ट्रांजेक्शन आपने पोस्ट कर देनी है। अब क्या हो रहा है, 5 जनवरी को कैश क्रेडिट हो रहा है 85,000 से, तो आपने क्या किया, कैश की क्रेडिट साइड पर आए, 85,000 लिखा, 5 जनवरी लिखी, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, अब आप देखोगे कैश के ऑपोजिट क्या था, परचेजेस था, यहाँ पे आपने लिख दिया परचेजेस, क्लियर है बात, ठीक है। तो आपकी ये वाली डबल एंट्री भी पोस्ट होगी, नरेशन नहीं लिखनी, नरेशन सिर्फ और सिर्फ जनरल जर्नल का हिस्सा है, राइट। तो अब आपने क्या कर दिया, इस तरह से आपने पोस्टिंग करनी है, आपने हर नए आइटम के लिए नया टी अकाउंट खोलना है, पुराने आइटम के लिए पुराने ही टी अकाउंट में जाके डेबिट या क्रेडिट साइड पे आपने रिकॉर्डिंग कर देनी है, इज दैट क्लियर, इधर तक समझ आ गया। जी ठीक है, तो कंप्लीट कर लें इसको फिर। अच्छा, इज दिस इनफ, मैं एक और कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ बैलेंस कैरेट डाउन का, या वो फिर मंडे को कर लें, मतलब समझ आ रही है बात, मतलब ज्यादा टू मच तो नहीं हुआ, सैचुरेशन पॉइंट तो नहीं अचीव हो गया आप लोगों का, मोहसिन का तो आई एम श्योर नहीं हुआ होगा अभी, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उस्मान आप पहली दफा पढ़ रहे हो, ज्यादा तो नहीं है, चलो ठीक है मैं करा देती हूँ, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आपने क्या करना है, सारी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर देना है, तो जल्दी से मोहसिन आप अपने रजिस्टर में जल्दी से ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करो, सारे टी अकाउंट्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, परचेजेस अकाउंट, और उस्मान नेक्स्ट टाइम आपने कॉपी अपने पास कोई रखनी है, ठीक है, क्योंकि मैं क्लास वर्क भी कराऊंगी मैं सारा, या तो पूरा क्वेश्चन अगर मैं खुद कराने बैठ गई तो वो तो फिर ठीक बात नहीं है ना, तो मैं आप लोगों को क्लास असाइनमेंट्स भी दूंगी, तो वो आपको करने हैं उस टाइम पे बैठ के, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ कॉपी, यू हैव अ रफ पेज इन हैंड, ठीक है। मोहसिन हैंड आउट आप खुद दे के करो उसको, फुल पूरा कॉपी करो, सारा पोस्टिंग करो, मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ। फिर आपके पास आ गया 6 जनवरी को परचेजेस आपने डेबिट करनी है, और जावेद का पेबल अकाउंट क्रेडिट करना है, तो पर्टिकुलर्स में आ जाएगा जावेद और 1,16,000, और हमने जावेद का अकाउंट भी खोलना है, मोहसिन आप कर रहे हो ये, फिर आपके पास 8 जनवरी को कैश का अकाउंट डेबिट होना है, सेल्स क्रेडिट होना है, तो सेल्स का नया अकाउंट खोलेंगे, लेकिन हम पहले कैश के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, चलो वेरी गुड, कैश के अकाउंट को हमने डेबिट किया 42,000 से,
और 8 जनवरी को सेल्स के अगेंस्ट। कैश हमारा डेबिट हो गया और हमने सेल्स का कोई टी अकाउंट खोला हुआ नहीं था, तो अब हम सेल्स का टी अकाउंट एक खोलेंगे नया। और सेल्स हमारा क्या हो रहा है, सेल्स हमारा क्रेडिट हो रहा है 42,000 से 8 जनवरी अगेंस्ट कैश कैश 42,000। ठीक है, फिर आपके पास आ गया 10th जनवरी, जावेद का पेबल अकाउंट आपने करना है डेबिट। तो ये पहले आपने खोला हुआ है, जावेद का पेबल अकाउंट 10th जनवरी को आपने कर दिया डेबिट, कितने से, 28,000 से। और किसके अगेंस्ट, ऑपोजिट आपके पास लिखा हुआ आ रहा है परचेज रिटर्न्स। उस्मान फॉलो कर रहे हैं ना, परचेज रिटर्न्स का टी अकाउंट नहीं खोला हुआ था पहले आपने, अब आप उसको खोल देंगे। और आपने 10th जनवरी को परचेज रिटर्न्स का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जावेद पेबल के अगेंस्ट फॉर 28,000। फिर आपके पास आता है 16 जनवरी, परचेजेस अकाउंट पहले से आपने खोला हुआ है, आप परचेजेस अकाउंट में जाके डेबिट करना है आपको 98,000। परचेजेस डेबिट कर दिया 98,000 16th जनवरी। और ये इसके अगेंस्ट आपके पास कौन आ रहा है, दानिश। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दानिश कर दिया, दानिश का अकाउंट आपने पहले नहीं खोला हुआ था तो अब आप खोल देंगे। उस्मान क्लियर हो रही है बात, कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो ठीक है, 16th जनवरी, पोस्टिंग कंप्लीट। वाह यू फास्ट माशाल्लाह। ठीक है, जस्ट लेट मी कंप्लीट इट एज वेल। ठीक है, 98,000। फिर आपके पास है दानिश पेबल अकाउंट, डेबिट हो जाएगा 19,000 से। परचेज रिटर्न्स, और परचेज रिटर्न्स में आपने जाके पोस्ट कर दिया। फरहान रिसीवेबल अकाउंट या पहली दफा बना रहे हो? इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी आपने कैप्स में ही इसको लिखना है या व्हाट सो एवर। ठीक है, तो फरहान रिसीवेबल 55,000 डेबिट 25th जनवरी। सेल्स का अकाउंट आप पहले खोल चुके हुए तो सेल्स के अकाउंट में गए 25th जनवरी, फरहान और 55,000। फिर आपके पास आ गए जावेद का पेबल अकाउंट डेबिट 88,000 कैश क्रेडिट। तो जावेद पेबल अकाउंट ऊपर है, ये रहा जावेद पेबल अकाउंट डेबिट 88,000 27 जनवरी। और कैश आपने क्रेडिट करना है तो कैश की क्रेडिट साइड पे आ गए। सेल्स रिटर्न डेबिट फरहान रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक
है। और 10,000 और 28 जनवरी। बस लास्ट है हमारे पास। ओ वेरी गुड, ठीक है, बस क्लोजिंग करना मैंने आपको सिखाना था। चले दैट्स वेरी गुड। बस एक आखिरी ट्रांजैक्शन में पोस्ट कर दूं, फिर क्लोजिंग पर आते हैं। क्लोजिंग में भी मैं आपको सिर्फ एक ही टी अकाउंट, एक दो टी अकाउंट्स की क्लोजिंग सिखाऊंगी, ठीक है? फिर आपने वो कंप्लीट करना होगा। 31 जनवरी कैश अकाउंट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट फरहान, रिसीवेबल क्रेडिट 45,000। तो आपने कर दिया, कौन सी डेट है? 31 जनवरी। और कैश आपने डेबिट कर दिया। चलें जी, पोस्टिंग सारी आपने कर ली कंप्लीट, आप आखिरी ट्रांजैक्शन तक भी पहुंच गए और आपने इसकी डबल एंट्री पोस्ट कर दी। अब क्या होता है, यानी कि महीना खत्म हो गया, राइट? महीने खत्म होने पे आपके पास इस स्टेप में, जो इस पूरे सीक्वेंस में जो तीसरी चीज है वो क्या है? क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स या लेजर्स, ठीक है? और ये आपका हमेशा होता है एटलीस्ट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है? हर महीने के आखिर पे क्लोजिंग चल रही होती है। हम सुनते हैं बैंक्स वगैरह में जाते हैं तो, या अगर जिन जिनके रिलेटिव्स या उनके पेरेंट्स अगर जॉब वॉब करते हैं तो उनको पता आइडिया होगा, खासतौर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो उनको आइडिया होगा कि महीने के आखिर में, स्पेशली साल के आखिर में भी क्या चल रहे होते हैं, क्लोजिंग्स चल रही होती हैं, और उसमें तीन तीन चार चार छह छह दिन लग रहे होते हैं, राइट? तो इसमें क्या होता है क्लोजिंग के अंदर, इन वेरी सिंपल सिंपलेस्ट टर्म्स में तो बात करें तो लग रहा है कि जैसे बस एक दिन का काम है, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि साल के आखिर में, महीने के आखिर में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा काउंटिंग करनी पड़ती है, आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, राइट? तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये तो हम बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ रहे हैं जिसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। आपने सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया और उनको उठा के पोस्ट कर दिया, और अब हम क्या करें, अब हमें करना है क्लोज। हम लोगों ने एक ऐसा रूल पढ़ा हुआ है जो कि हम ता हयात क्या करते रहेंगे, उसको हमने फॉलो करना है एज एन अकाउंटेंट। और वो क्या है? डेबिट शुड ऑलवेज इक्वल क्रेडिट। तो जहां पे भी डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आ जाए, आपने कहना है कि ठीक है, उन दोनों फिगर्स को फिर एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका? अब ये देखें, एक ही जगह पे आपके पास एक टी अकाउंट में डेबिट का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्रेडिट का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। कैसे? हमने ये देखा, ये वाली साइड है डेबिट साइड, ये वाली साइड है क्रेडिट साइड। तो हमें क्या ख्याल रखना है? ऑब्वियसली फिगर्स में ही हम मैचिंग करेंगे, राइट? हमें ये ख्याल रखना है कि जितना अमाउंट, टोटल अमाउंट मेरे डेबिट साइड पे आ रहा है, उतना ही टोटल अमाउंट मेरे क्रेडिट साइड पे भी आना चाहिए। तो हम एक काम ये करते हैं, हम दोनों साइड्स को करते हैं टोटल, राइट? हम करते हैं 5 लाख प्लस 42,000 प्लस 45,000। और हम यहाँ पे भी काम करते हैं, हमने ये किया 85,000 प्लस 88,000। जब हमने इन दोनों साइड्स की टोटलिंग की तो हमें ये नजर आ रहा है कि दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। अच्छा, किस साइड पे शॉर्टफॉल है, कौन सी साइड शॉर्ट है? वो आपकी शॉर्ट है कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। और अब सवाल ये आता है कि कितने से डिफरेंस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5,87,000 माइनस 1,73,000, तो 4,14,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमें करना क्या है, हमें इन एनी केस डेबिट को क्रेडिट के इक्वल करना है। तो अब हम क्या करें, अब हम ये काम कर सकते हैं कि जितने का डिफरेंस आ रहा है ना, वो हम उठा के लिख दें कहां पे, जहां पे शॉर्टफॉल आ रहा है, ठीक है? 4,14,000 का जो डिफरेंस था वो मैंने उठा के कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब मेरा डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा है, ठीक है? मैं यहां से कोई चीज ओमिट नहीं कर सकती,
जो साइड ज्यादा है मैं ये नहीं कर सकती कि अच्छा उधर से एक दो फिगर्स उड़ा दो तो फिर शायद मैच कर जाए, नहीं मैं खुद से ऐसा कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि ये तो ट्रांजेक्शन हो चुकी हुई है, इन फिगर्स तो आपने को आपने लिखना ही लिखना है राइट। तो आप कर क्या सकते हो, आप कर ये सकते हो कि जिस साइड पे शॉर्टफॉल है कमी है उस साइड पे आप जितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है वो फिगर लिख दो, तो अब आपके पास डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाती है। ठीक है सही है ना उस्मान, मैंने 4,14,000 की फिगर लिख दी बैलेंस करने के लिए कि बस मेरा डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाए। ठीक है अब आती है बात इनकी डेट और इनके पर्टिकुलर्स की, ये अमाउंट है क्या, ये काम हम कब कर रहे हैं, महीने के आखिर पे कर रहे हैं, सारी ट्रांजैक्शंस पोस्ट करने के बाद हमने ये काम किया कि हमने 4,14,000 की फिगर कैलकुलेट की और हमने उसको यहाँ पे लिख दिया, यानी कि कौन सी डेट पे, 31 जनवरी। और पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, क्या ये कोई ट्रांजैक्शन हुई है 4,14,000 की, हमें यहाँ पे तो कुछ नहीं नजर आ रहा 4,14,000 का, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, महीने के आखिरी तारीख पे कोई हमने 4,14,000 का काम नहीं किया, तो फिर ये क्या है, इसको हम कहते हैं क्या, बैलेंस कैरेट डाउन। इसके ऑल्टरनेटिव टर्म्स भी हैं, इसको हम बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड भी बोलते हैं ठीक है, लेकिन ज्यादा जो वो आपका सही वाला टर्म है जो ज्यादा कॉमन टर्म है वो बैलेंस कैरेट डाउन है। ठीक है तो ये बैलेंस सीडी लिखते हैं उसको शॉर्ट में, बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड या बैलेंस ये, और ये आप नॉर्मली डिनोट करते हो एज अ बैलेंसिंग फिगर, यानी कि अब हमने ये चीज कैलकुलेट, नहीं, ब्रॉड डाउन कुछ और है, नोप ब्रॉड डाउन पे अभी हम नहीं आए, ब्रॉड डाउन इज समथिंग एल्स, ये कैरेट डाउन है। ठीक है सीडी और बीडी में फर्क है। ठीक है तो अभी हम पढ़ रहे हैं कैरेट डाउन को, तो हमने क्या किया, जिस साइड पे शॉर्टफॉल था हमने वहां पे अमाउंट लिखी और हमने बोल दिया कि ये बैलेंस कैरेट डाउन है। ठीक है आपने हर टी अकाउंट के साथ ये करना है। अब आप कैपिटल में आ गए, कैपिटल में क्या सिचुएशन है, जब आप टोटलिंग करते हैं जब आप समिंग करते हैं तो आपको ये नजर आता है कि यहाँ पे तो 5 लाख है और यहाँ पे कितना है, जीरो राइट, जीरो बैलेंस है। शॉर्टफॉल कहाँ पर है, डेबिट साइड पर है, अगर आप यहाँ पे 5 लाख उठा के लिख देते हैं अब ये दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो अब इस 5 लाख को भी आपने क्या करना है, 31 जनवरी बैलेंस कैरेट डाउन। क्लियर है बात, और ये क्या थी आपकी, इसको कहेंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है कि बैलेंस करने के लिए आपको ये अमाउंट डालनी पड़ी। और नीचे आए परचेजेस, परचेजेस में क्या सिनेरियो हो रहा है, परचेजेस में आपकी डेबिट साइड है 2,99,000 और क्रेडिट साइड क्या है, जीरो है ना, तो अब आप क्या करेंगे, जहां पे शॉर्टफॉल था वहां पे आप अगर 299,000 लिख देते हैं अब जाके ये बैलेंस हो जाएगा, तो अब ये इसकी डेट भी क्या आएगी, 31 जनवरी बैलेंस कैरेट डाउन और ये बैलेंसिंग फिगर है। यू गेट द पॉइंट राइट मोहसिन उस्मान, क्लियर है। जी उस्मान चलें जबरदस्त, अब काम क्या करना है उस्मान, अब मुझे आपका होमवर्क चाहिए। ठीक है कल आपने ये एग्जाम्पल नंबर 3 में रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन मैं अगला स्टेप आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 को ही पिक कर लिया, तो उस्मान आपने एग्जाम्पल नंबर 3 के टी अकाउंट्स बनाने हैं और इसी तरह से क्लोजिंग करनी है। मोहसिन क्लियर होगी बात, जी क्लियर है बात, मोहसिन अमाउंट एग्जिस्ट तो नहीं, हाँ मोहसिन ये बात मैं फिर आपको मंडे को समझाती हूँ, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, लग रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करती, चले मैं समझा देती हूँ, लग रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन एग्जिस्ट तो करती है, कैसे करती है समझाती हूँ मैं ये। ठीक है अगर ज्यादा हो जाए ना, अगर समझ में ना आए तो टेंशन ना लें, आज के दिन हमने अच्छा खासा कर लिया ठीक है, इट माइट बी टू मच फॉर यू, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो देखें क्या सिचुएशन हुआ। चले मैं इसको नहीं लिखती, अभी नहीं लिखती ठीक है। अब आप जरा मुझे एक बात बताएं, आपके पास कैश इन हैंड मौजूद है ना, कैश इन हैंड क्या है, आपके पास एक पेपर मनी है, कैसे है आपके पास, आप देखते हैं आपके पास टोटल इस महीने में कैश कितना आया, आप ये कहेंगे टोटल इस महीने में कैश मेरे पास आया 5,87,000 का है ना, आपके पास कैश रिसीव हुआ, पेपर मनी आपके पास आया
और टोटल आपके पास पैसा गया कितना आपके हाथ से, आप कहेंगे 1,73,000। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि फिर मुझे जरा बताएं कैलकुलेशन करके कि 31 जनवरी पे आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ था, सॉरी आई एम यूजिंग रोमन, राइट, कैश कितना पड़ा हुआ था आपके पास 31 जनवरी को महीने के आखिर में, जरा मुझे बताएं तो सही। तो आप क्या करेंगे, अच्छा मेरे पास 5 लाख रुपए आए 1 जनवरी को, फिर मैंने उसमें से परचेजेस कर दी यानी कि उसको मैं माइनस कर दूंगा, फिर मैं ऐड करूंगा 42,000, फिर मैं माइनस करूंगा 88,000, और फिर मैं 45,000 फिर दोबारा ऐड करूंगा। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि महीने के आखिर पे जरा कैलकुलेशन करें, आपके पास 4,14,000 कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही बैलेंस जो है ये आपका यही रिप्रेजेंट करता है, 4,14,000 कैश पड़ा हुआ है। चलो ये तो एक ऐसी चीज है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस थी, ये क्या था, ये एसेट था आपका। अब जरा कैपिटल पे आए, कैपिटल आपको नजर तो नहीं आता ना, कैपिटल तो आपको कैश की सूरत में नजर आ रहा होगा, एसेट की सूरत में नजर आ रहा होता, तो कैपिटल की बिल्कुल ठीक है, कैपिटल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि जरा मुझे बताएं तो सही, आप ओनर हैं, आप अशरफ हैं, और आपसे मैं 31 जनवरी पे खड़े होके पूछ रही हूँ कि भाई जरा मुझे ये तो बताएं कि आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है टू डेट, आज के दिन तक आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? आप मुझे, आप अपना टी अकाउंट खोलेंगे और मुझे बताएंगे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने बाद में और भी इन्वेस्टमेंट की होती तो कितना अमाउंट होता आपके पास, 5,10,000। तो आप मुझे ये बोल देते कि जी मैंने आज की डेट तक 5,10,000 का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है अपने बिजनेस में, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर आइटम की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, लेकिन आज की डेट तक मैंने कितना काम किया है उस पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट में, बैलेंस कैरेट डाउन आपको ये बताता है। एसेट्स के केस में आपको ये बताता है कि कितने एसेट्स मौजूद हैं आपके पास अब तक, कैपिटल के अकाउंट में बताता है कि ओनर ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है टू डेट। अब परचेजेस पर आ जाते हैं, अब परचेजेस में अगेन इनकी कोई एसेट्स, परचेजेस की एसेट्स कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ना। परचेजेस तो एक आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, बस आपने उसको लिखा है कि भाई मैंने इतने की परचेजेस की। तो आपके पास डेबिट साइड पे कितना आ रहा है, आपने टोटल कितनी परचेजेस की हैं ड्यूरिंग द मंथ, आपने की है 2,99,000। तो ये जो आपके पास कैरेट डाउन आता है ये आपको बेसिकली बता रहा होता है कि इस महीने में आपने 2,99,000 की टोटल परचेजेस की है। अब आते हैं नीचे जावेद के पेबल अकाउंट पे। अब जावेद के पेबल अकाउंट में क्या सिचुएशन है, अच्छा ये पूरा का पूरा पे ऑफ ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आए, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिकली इक्वल आ रहे हैं, जब हम सम करते हैं तो हमारे पास इक्वल हैं दोनों, हमें कोई बैलेंस कैरेट डाउन लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने जावेद से ड्यूरिंग द मंथ 1,16,000 की परचेजेस की थी, फिर आपने जावेद को गुड्स रिटर्न भी कर दिए थे और फिर आपने जावेद को पे भी कर दिया। इसका क्या मतलब है, अब बैलेंस कैरेट डाउन जावेद का कितना है, जीरो। आपको उसको कुछ पैसा नहीं पे करना, कौन सी डेट पे, 31 जनवरी पे, क्लियर होगी बात। तो 31 जनवरी पे मैं खड़ी होके क्या कहूंगी, जावेद को लेजर में भी डेबिट साइड इंक्रीजिंग, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन मोहसिन, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलें आप टाइप कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे आए दानिश के पेबल अकाउंट में आए, अब जब यहाँ पर हम आते हैं तो हमारे पास क्रेडिट साइड है 98,000 की और डेबिट साइड हमारे पास कितनी है, 19,000 की। तो कितने का आपके पास शॉर्टफॉल है, कितने की कमी है आपके पास, 79,000 की। तो आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 79,000 लिख देंगे। लेकिन अब ये बैलेंस कैरेट डाउन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 31 जनवरी पे तक आपके पास क्या सिचुएशन हो गई, आपने दानिश से 98,000 की परचेजेस की थी जिसमें से आपने 19,000 उनको रिटर्न कर दिया और अब पेबल कितना है, 79,000। तो आपने अपने पास बुक्स में ये आपको फाइनल पोजीशन पता लग गई ना कि महीने के आखिर पे 31 जनवरी पे आके जरा मुझे पता लग जाए कि चीजों की पोजीशन क्या है, मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या है,
मुझे कितना पैसा पे करना है, मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, मेरे पास एसेट्स कितने पड़े हुए, मैंने पूरे महीने में सेल्स कितनी की, परचेज रिटर्न्स कितनी की, परचेजेस कितनी की। तो बेसिकली बैलेंस कैरेट डाउन क्या कर रहा है, चीजों को समराइज कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो इन समरी मैं ये बात कह सकती हूँ कि भाई मुझे दानिश को पे करना है 79,000 आज के डेट पे, 31 जनवरी महीने के आखिर पे। मीन्स डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सब्ट्रैक्ट शो करता है। नहीं, डेबिट क्रेडिट में से माइनस तो नहीं होता। देखो ये जो बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए, आप ज्यादा वाली फिगर में से कम वाली फिगर को लेस करते हो, बस यही है। अब वो ज्यादा फिगर डेबिट साइड पे भी आ सकती है, क्रेडिट साइड पे भी आ सकती है। जिस तरह यहाँ था तो मैंने निकालने के लिए कि भाई अमाउंट कितनी है, डिफरेंस की अमाउंट कितनी है, मैंने 98,000 में से 19,000 माइनस किया, मेरे पास आंसर आ गया 79,000। और मैंने ये 79,000 लिखना कहाँ पे, जहां पे शॉर्टफॉल है, ताकि अब मेरा बैलेंस इक्वल आ जाए। कैश के केस में क्या था, कैश के केस में मेरे पास डेबिट साइड पे टोटल ज्यादा आ रहा था, ठीक है। डेबिट साइड पे मेरे पास आ रहा था 5,87,000, तो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन की, 5,87,000 माइनस 173,000, आंसर आया 414, और मैंने 414,000 को यहाँ लिख दिया। इसमें माइनस और प्लस का कोई हिसाब नहीं है, एटलीस्ट दी अकाउंट्स में नहीं है, ठीक है। आप माइनस और प्लस में कुछ नहीं लिखते, यहाँ पे मैंने कोई चीज माइनस में तो नहीं लिखी हुई ना। टी अकाउंट्स में, लेजर अकाउंट्स में एटलीस्ट आपका ये माइनस और प्लस का सिचुएशन नहीं होता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है, वो फिर हम उस टाइम पे देख लेंगे, ठीक है। चलें जी, क्लियर है बात उस्मान? क्लियर होगी बात कैसे क्लोज करना है? तो अब आप ये आपका होमवर्क है, ये आपकी पनिशमेंट भी है। उस्मान ने मुझे असाइनमेंट करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है। और असाइनमेंट आपका क्या है कि एग्जाम्पल नंबर 3 के आपने टी अकाउंट्स की पोस्टिंग, टी अकाउंट्स आपने बनाने हैं, पोस्टिंग करनी है और क्लोजिंग भी करनी है, ठीक है। मोहसिन आप चाहें तो आप भी मुझे भेज दें, कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है। तो ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3 के टी अकाउंट्स बना के क्लोज करके इसी तरह डबल एंट्री, वो क्या कहते हैं, टोटल्स दोनों साइड पे लिखे हैं, मुझे ये नजर आया 414,000 बैलेंस कैरेट डाउन, एवरीथिंग प्रॉपर, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। और इसके अलावा मैंने आपको एक और होमवर्क दिया है, C6 और C7 जी। ये तो दोनों के लिए है, क्वेश्चन नंबर C6 और C7, ये फिर आप अपना कर सकते हैं अभी अटेम्प्ट, ठीक है। ये मैं फिर फर्दर डिस्कस नहीं करूंगी, इसके मैं सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगी आपके उस पर, ये आपकी अपनी पर्सनल अब प्रैक्टिस के लिए है। चाहे तो मुझे भेज भी दें, नो आई हैव गॉट नो इश्यूज, आई विल चेक इट, लेकिन दिस इज समथिंग डिफरेंट। अभी इसमें आपकी वो सारी चीजें जो हमने पढ़ी हुई है पहले से, ठीक है। देयर इज नथिंग न्यू इन एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो C6, C7, आई हैव गिवन दिस दिस क्वेश्चन टू यू फॉर योर पर्सनल प्रैक्टिस, चाहे तो मुझसे चेक करा लें। और एग्जाम्पल नंबर 3 के जो टी अकाउंट्स बनाने हैं, वो आप लोगों ने मुझसे चेक करवाने हैं, ठीक है। फिर मंडे को हम इसको फर्दर देखेंगे, एक और क्वेश्चन देख लेंगे। C4 है आपका पैक का क्वेश्चन बैंक, वो मोस्ट प्रॉब्ली मैं शायद आप लोगों को होमवर्क ही दू, राइट। हम फिर मंडे को अगर वो हमें नहीं करना होगा तो हम इंशाल्लाह, हाँ मंडे को आपका थ्योरी का टेस्ट भी है, बिल्कुल ठीक है। सैटरडे संडे आप पढ़े सही से, और मंडे को आपका इंशाल्लाह थ्योरी का टेस्ट होगा, और वो आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल हैं। और अगर इफ यू गॉट अ जेन्युइन रीजन एंड यू वांट टू टेक मोर देन 24 आवर्स, बी माय गेस्ट, आई एम ओके विद इट, ठीक है। एज लॉन्ग एज एवरीबडी इज गिविंग द टेस्ट, अटेम्प्ट कर रहे हैं टेस्ट को। चलें जी, कोई सवाल है तो ले लेती हूँ, वरना फिर क्लास को क्लोज करते हैं। जी कोई क्वेश्चन है आपको? अपलोड कब होगा बच्चे? मंडे को ही अपलोड होगा। आज और कल जरा सही से रटे मार लेना, याद कर लेना उसको, मंडे को इंशाल्लाह अपलोड होगा, ठीक है। मंडे को आप सुबह जो है वो चेक कर लीजिएगा, सुबह क्लास के बाद आप अटेम्प्ट कर लें उसको। मैं वैसे सुबह शायद 8 बजे तक अपलोड कर दूं उसको, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। हैव अ नाइस वीकेंड, अल्लाह हाफिज़।